जैसे पाठ्यक्रम आज आपको पढ़ा रहे हैं वाग दाब अवनमन तथा पराशर दाब में संबंध। कल आपको बताया था पराशर दाब और आज बता रहे हैं वाग दाब अवनमन। आप पहले पढ़ चुके हो पी माइनस टी एस डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू एन स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। अब इसको बता रहे ये चित्र हमारा ऑस्मोसिस का, ये नीचे हमारा विलायक है, ये हमारी फनल है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें इस विलयन में एच हाइट पर यहाँ पर आके साम्यावस्था में ये रुक जाता है। तो अगर इसका पराशनक दाब पाई बराबर होता है एच डी जी, जहाँ एच है हाइट, डी का मतलब है विलयन का घनत्व और जी है गुरुत्वीय त्वरण। ये पी ये है विलायक और विलायक की सतह पर जो दाब है उसे हम कह रहे हैं पी, और ये विलयन है अंदर और विलयन की सतह पर जो दाब है उसको हम कह रहे हैं पी एस सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और ये प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पी विलायक की सतह पर दाब, पी एस विलयन की सतह के ऊपर वाष्प दाब, तो पी माइनस पी एस ठीक है वाष्प दाब का अंतर, विलायक और विलयन के वाष्प दाब का अंतर ये बराबर होगा वाष्प के स्तंभ की ऊंचाई एच द्वारा डाले जाने वाले दाब के बराबर होना चाहिए। अतः पी माइनस पी एस इज इक्वल टू एच रो जी, जहां रो को हम कहते हैं वाष्प घनत्व, विलायक का वाष्प घनत्व। रो को हम निम्न प्रकार याद करते हैं, हम आकर गैसों के लिए पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो वी बराबर होता है आर टी डिवाइडेड बाय पी। विलायक का वाष्प घनत्व रो बराबर होता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो रो बराबर है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो रो बराबर वी का मान हमने निकाला है आर टी बटा पी, ये मान इस समीकरण में रखने पर तो रो बराबर है एम इंटू पी डिवाइडेड बाय आर टी। ये समीकरण तीन, समीकरण ए वाई इज इक्वल टू एच डी, समीकरण दो पी माइनस पी एस इज इक्वल टू एच रो जी ठीक है। अब इन दोनों का भाग करने पर समीकरण दो में समीकरण एक का भाग करने पर पी माइनस पी एस, पी माइनस पी एस किसके बराबर है हमारा एच रो जी, एच रो जी और पाई किसके बराबर है एच डी जी, तो पाई इज इक्वल टू एच डी जी, तो पी माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू एच रो जी डिवाइडेड बाय एच डी जी। इसको आगे हल करने पर एच कट जाएगा जी कट जाएगा, नीचे भी एच और जी कट जाएगा, तो नेक्स्ट होगा पी माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय डी। रो है वाष्प का घनत्व और डी है विलयन का घनत्व। अब पी माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू रो का मान किसके बराबर निकाला है अपन ने, रो बराबर होता है एम पी आर टी, एम पी डिवाइडेड बाय आर टी, ये मान इस जगह पे रखने पर तो पी माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू एम पी आर टी डी, और पी माइनस पी एस का अगर हम पी को इधर ले आए नीचे पाई के स्थान पर तो ये हो जाएगा पी माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू एम पाई आर टी डिवाइडेड बाय आर टी डी। एम भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट और डी विलयन का घनत्व भी कांस्टेंट, तो ये किस रूप में आ जाएगा पी माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू एम आर टी डी को हमने ब्रैकेट में कर दिया मल्टीप्लाई बाय पाई, तो पी माइनस पी एस ये चूंकि कांस्टेंट है तो पी माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई। अतः वाष्प आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन किसी भी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन पराशनक दाब के समानुपाती होता है। अब आप ये भी जानते हैं अगर तापमान को स्थिर रखा जाए स्थिर ताप पर टी पर विलायक का वाष्प दाब पी भी स्थिर होता है। अब ये भी अगर कांस्टेंट है, ये पी भी अगर कांस्टेंट है तो पी माइनस
पाई, तो पी माइनस पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई, अतः वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन भी पाई के समानुपाती होता है। तो ये है आपका इन दोनों का संबंध, और कल आपको पढ़ाएंगे हिमांक में अवनमन और उससे अणुभाग ज्ञात करना। थैंक यू।